हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। भाई साहब, कल का सैटरडे क्या ही सैटरडे, चाहे वो आईएसएल हो चाहे वो एएफसी एशियन कप हो, बिकॉज आईएसएल में हमने दो बेहतरीन मैचेस देखे एंड एएफसी एशियन कप में भी दो बेहतरीन मैचेस देखे। जी दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर पहले मैच की, जापान वर्सेज ईरान के बारे में, जहां पर जापान बाहर हो चुकी है एंड ईरान हैज गॉन एंड क्वालिफाइड टू सेमीफाइनल्स। जो सेकंड चीज है, यहाँ पर जो डार्क हॉर्स जिसको माना जा रहा था उज़्बेकिस्तान, वो हार चुकी है एकदम हार्ड फाइट के बाद आफ्टर द हीरोइक्स ऑफ जो कतार का जीके है वो। एंड बाकी के जो दो आईएसएल के मैचेस है भाई, कोलकाता डर्बी एंड भाई साहब, मैं एक शब्द बोलना चाहता हूं, एक सेंटेंस बोलना चाहता हूं कि ये अब तक की बेस्ट डर्बी है आईएसएल में जितना मैंने देखा है, बिकॉज इट हैड एवरीथिंग, जो जो बोल सकते हो सब कुछ था ये डर्बी में। एंड जो लास्ट है यहाँ पर पंजाब एफसी, जी दोस्तों, पंजाब एफसी को अपनी आईएसएल की सेकेंड विक्ट्री मिल चुकी है एंड क्या स्टाइल में उन्होंने बेंगलुरु एफसी को हराया। एंड साथ ही साथ यहाँ पर एक वरिंग साइंस है, बिकॉज यहाँ पर महेश सिंह एंड अनवर सिंह, अनवर अली दोनों ही इंजर्ड हो चुके हैं, कितने टाइम तक इंजर्ड है लेट्स सी। एंड ये पांचों मैचेस के, पांचों टॉपिक्स के ऊपर बात करने की कोशिश करेंगे इस वाली वीडियो में। सो पहले बात करते हैं अपन भाई जापान वर्सेस ईरान, डेफिनेटली वो एक बोल सकते कि मेरा थोड़ा दिल टूट चुका था एएफसी एशियन कप में, तो भाई जापान वर्सेस ईरान था। एंड अगर दोनों हाफ के बारे में बात करोगे, फर्स्ट हाफ में इट वॉज इक्वल मैच, या तो बोल सकते कि जापान वो लिटिल बिट अहेड, लेकिन ईरान भी टक्कर का मुकाबला दे रही थी। तो ऐसा नहीं था कि यार एक दूसरे को कोई डोमिनेट कर रहा था फर्स्ट हाफ में, इट वॉज परफेक्टली पॉइस्ड एंड जापान ने क्या खतरनाक गोल मारा, वो जो बोल सकते सिंगल हैंडली उसने गोल मारा जापान के लिए। उसके बाद अगर बात करें लास्ट का जो 10 मिनट था, लास्ट का 10 मिनट ईरान ने बॉय फुल प्रेशर डाल रही थी एंड ऐसा लग रहा था कि भाई गोल आएगा। तो फर्स्ट हाफ में इट वाज लाइक कि चलो ठीक है, इक्वल है, जापान ने गोल मार दिया अपने इंडिविजुअल ब्रिलियंस से, बट ऑन द अदर हैंड यहां पर ईरान भी प्रेशर डाल रही है। एंड सेकंड हाफ जो था वो मैंने सच में एक्सपेक्ट नहीं किया था, बिकॉज जापान को जिस तरीके से डोमिनेट किया। जी दोस्तों, अब अक्सर ये बात सुनते नहीं हो कि जापान को आप डोमिनेट कर रहे हो, लेकिन कल ईरान ने सेम किया। ईरान का क्या सीन था, देखो जापान को क्या चाहिए कि देखो वो लोग बॉल पे एकदम अच्छे, तो वो लोग मिडफील्ड से अटैक बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर ईरान ने क्या किया कि अपने जो भी बंदे लोग थे, अपने उनके पास हाइट था, उनके पास फिजिकलिटी था, तो उसका यूज करके उन्होंने क्या किया कि भाई वो लोग लॉन्ग्स के, जब भी बॉल मिल रहा था तो वो लोग ट्राई नहीं कर रहे थे कि वो टिकी टाका करे या तो मिडफील्ड से थ्रू पासेस करे, नहीं, दे वर पुटिंग द लॉन्ग बॉल। उनके जो दो स्ट्राइकर थे अजमोन और एको जो था, वो लोग अपना हाइट फिजिकलिटी यूज करके बॉल जीत रहे थे, चाहे वो एरियल ड्यूल्स हो, फिजिकलिटी से बॉडी कर रहे थे जापान के प्लेयर्स को। एंड क्या हो रहा था कि उनका जो मिडफील्डर था, ठीक है, उनका जो मिडफील्डर था ईरान का, जो अक्सर पीछे रह रहा था, वो भी आगे चढ़ के आ रहा था। सो दैट्स व्हाई जो गोलकीपर था जापान का, तो उनको क्या हो रहा था कि भाई वो लोग जापान बीच में से खेलती है मिडफील्ड से, तो उनको वो खेलने का मौका नहीं मिल रहा था, तो उनको क्या करना पड़ रहा था, वो जो सुजुकी था गोलकीपर, तो उसको लास्ट में मतलब वाइड से देना पड़ रहा था। और सेकंड हाफ मेरे हिसाब से अगर आप बात करें, सेकंड हाफ जिस तरह से ईरान ने खेला है, पूरा डोमिनेट किया, बहुत कम चांस थे, 2 या 3 चांस थे बस जापान को, वो भी ओके थे, क्लियर कट नहीं थे। एंड जापान ने, सॉरी, ईरान ने फुल डोमिनेट किया एंड देन उनका जो फल था, उनका जो फुल फ्रूट था, वो उनको लास्ट में मिला आफ्टर पेनल्टी, और वो पेनल्टी थी यस डेफिनेटली, एंड वो पेनल्टी मारने के बाद ईरान ने जापान को हरा दिया बाय 2-1 एंड व्हाट अ कमबैक विक्ट्री इट वॉज। अगर आप बात करें जो दूसरा, जो पहला गोल था ईरान ने जो पहला गोल मारा वो बहुत खतरनाक था भाई, जो टॉक अबाउट असिस्ट, उसने सिर्फ वो एक पास दिया, वो एक असिस्ट दिया ना भाई, वो पास से जापान का डिफेंस ऐसा लग रहा था कि भाई किसका, कौन सी टीम का डिफेंस है। इट वाज अ परफेक्ट वंडरफुल पास एंड अ वंडरफुल फिनिश एंड इसी के साथ 2-1 से ईरान जीत जाती है एंड दे हैव क्वालिफाइड फॉर सेमीफाइनल। ऑन द अदर हैंड यहां पर अगर आप बात करोगे कि जापान ने ईरान को हराया था 3-0 से, फ्रॉम नॉट फ्रॉम लास्ट ईयर की एएफसी एशियन कप में सेमीज में, सो नाउ दे हैव गॉट द रिवेंज भाई। एंड जापान, साउथ कोरिया, ऐसी सब कंट्रीज को आप देख के इंस्पायर होते कि भाई हमें भी इनके ज्यादा ग्रो करना है, और कल ईरान ने जापान को हरा दिया, तो इट वॉज अ वंडरफुल मूवमेंट विदाउट तरीमी, मेहदी तरीमी के साथ भी विदाउट उनके साथ, उनके अलावा हराया। तो आई कांग्रेचुलेशन टू ऑल ईरान फैंस भाई लोग। एंड ऑन द अदर हैंड यहाँ पर कतार और उज़्बेकिस्तान की थोड़ी बात कर लेते हैं। कतार उज़्बेकिस्तान का मैंने मैच देखा नहीं, बट अगर आप बात करोगे इट वॉज 1-1 था एंड कतार का एक ओन गोल मिला था एंड देन फिर में उज़्बेकिस्तान ने भी गोल मारा सेकंड हाफ में, इट वॉज 1-1 एंड उज़्बेकिस्तान ने भाई इन फ्रंट ऑफ द फुल होम स्टेडियम, तो भाई होम फैंस थे कतार के पीछे, कतार चैंपियंस थे, डिफेंडिंग चैंपियंस थे, तो उनको 1-1 तक अटका के रखा 120 मिनट्स। एंड बात करके इन द पेनल्टीज भाई, पेनल्टीज अगर बात करोगे दोनों ही टीम ने गंदी ली, ऐसा नहीं था कि भाई एक टीम ने गंदी ली एक टीम ने अच्छी ली। यहाँ पर कतार की पेनल्टी अगर बात करो, एक तो भाई सिक्सर, एक तो भाई अर्थ यूनिवर्स में डाल दिया था बॉल वो था, बाकी यार जो उज़्बेकिस्तान की पेनल्टी थी भाई क्या थी, आई रियली डोंट नो भाई, गंदी पेनल्टीज थी। एंड जीके अगर बात करोगे कतार का जीके, डेफिनेटली कतार के जीके को प्रेस करना बनता है, और जिस तरह से वो कर रहा था ना भाई सेलिब्रेशन वगैरह कर रहा था, इट वॉज लाइक पिसिंग मी ऑफ, वो इरिटेट हो रहा था बिकॉज आई वॉज सपोर्टिंग उज़्बेकिस्तान, लेकिन भाई कतार के जीके ने
एक गट वाला था भाई कि उसने स्टेन उसने स्टिल रहा एंड वो बॉल उसने जो आई गेस उज़्बेकिस्तान का जो कैप्टन था तो उसने डायरेक्टली स्ट्रेट मारा एंड वो स्ट्रेट ही खड़ा था तो सेव कर दिया एंड विद दैट यस उज़्बेकिस्तान हर गई है। बट अगर आप बात करोगे उज़्बेकिस्तान क्वार्टर फाइनल्स में जाके आ रही है एंड उज़्बेकिस्तान आर डेफिनेटली वन टीम टू वॉच बिकॉज जिस तरह से वो ग्रो कर रहे हैं उनका फुटबॉल ग्रो कर रहा है इट्स मैग्निफिकेंट। ठीक है तो ये तो हो चुका अपन एएफसी एशियन कप का, मैंने आपको थोड़ा राउंड अप दे दिया है। बात कर लेते हैं अपने इंडियन सुपर लीग के बारे में। जी हां दोस्तों पहला जो मैच था पंजाब का, अब देखो ये जो पंजाब का जो मैच था वो मैंने देखा नहीं बट इससे अच्छा पॉइंट्स क्या लगते हैं वो मैं बताने वाला हूं। यहाँ पर 3-1 से यस छेत्री सर ने फाइनली एक गोल मारा था 1-0 से, बट यहाँ पर पंजाब का कमबैक था एंड जिसमें 3 गोल्स मारे पंजाब ने, एक जॉर्डन ने, एक मेहंदी तलाल ने एंड जो तीसरा था इफ आई एम नॉट रॉन्ग मैं भूल गया भाई आई एम रियली भूल गया रुको हाँ मैथसिन मेहंदी तलाल ने और तीसरा जो गोल था वो मैथसिन ने मारा एंड पंजाब एफसी की भाई ये बात है ना मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ भाई ये बंदे लो ये जो टीम है पूरी ट्रांसफर में उन्होंने एकदम स्पेशल कराए, पैसे नहीं थे तो लोन पे प्लेयर्स लिए एंड ऐसे नहीं बड़े बड़े प्लेयर्स नहीं लिए जो भी इंडियन प्लेयर्स है जो कौन से दूसरे बेंच पे बेंच है ठीक है विद्यासागर हो गया ब्रिस मिरांडा हो गया साहिल धवन हो गया तो ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स लिए उन्होंने लोन पे एंड एक परफेक्ट टीम बनाई। और अगर आप बात करोगे भाई ये जो टीम है ये जो स्क्वाड है दिन बर दिन मैच बाय मैच प्रोग्रेस दिखा रहे जा रहा है एंड आई एम प्रीटी श्योर सेकंड लास्ट या थर्ड लास्ट फिनिश करेगी, लास्ट पक्का से फिनिश नहीं करेगी बिकॉज ये टीम ने दिखाया कि अगर इसके ऊपर ये सीजन तो डेफिनेटली दे विल बी डूइंग गुड बट जो लास्ट नेक्स्ट सीजन होगा वहां पर अगर थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट एंड थोड़ा सा अच्छे अच्छे प्लेयर्स क्वालिटी प्लेयर्स और लेके आ गए तो भाई दिस टीम बोलते हैं थोड़ा सा टॉप ऑफ द टेबल नहीं इन द सेंस की मिड टेबल या तो टॉप सिक्स के लिए चैलेंज कर सकती है बट ये बार आई डोंट थिंक सो टॉप सिक्स के लिए चैलेंज करेगी। बट ऑन द अदर हैंड यहाँ पर बेंगलुरु एफसी का क्या हाल हो रहा है आई रियली डोंट नो भाई। सेकंड हाफ एफसी हमने बोला था करेगी बट भाई सेकंड हाफ एफसी का जो स्टार्ट हुआ है वो एकदम गंदा हुआ है बिकॉज 3-1 से आप 3-1 हार जा रहे हो फील्स बैड बट इट इज वॉट इट इज भाई बेंगलुरु एफसी का यही हाल है। बाकी नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट द मेन टॉपिक दैट इज द कोलकाता डर्बी। जी हाँ दोस्तों क्या नहीं था ये कोलकाता डर्बी, डर्बी में फैंस का क्रेजी एटमोसफियर, फैंस के गंदा एटमोसफियर, आवाज इतने जोर जोर से, लड़ाई, पैशन, हंगर सब कुछ था ये डर्बी में भाई, मजा ही आ गया। और स्टार्ट होता है यहाँ पर ईस्ट बंगाल की तरफ से, ईस्ट बंगाल का निशु कुमार गोल मारते हैं एंड देन बाद में अपने अजय छेत्री उन्होंने गोल मारा, निशु कुमार ने असिस्ट दिया सॉरी एंड अजय छेत्री ने गोल मारा। उसके बाद अगर आप बात करोगे थोड़ी ईस्ट बंगाल बैकफुट पे आ चुकी थी देन उसके बाद मोहन पान ने रिदम पकड़ा एंड देन फिर हमने सडिको, जी हाँ दोस्तों सडिको ने गोल मारा एंड कहीं ना कहीं मेरे को बोलना पड़ेगा सडिको इज ग्रेटर देन द ऑस्ट्रेलियन निगा दैट इज द कमिंग्स बिकॉज सच में मेरे को लग रहा है कि सडिको इज बेटर देन कमिंग्स भाई, कमिंग्स तो वर्ल्ड कप प्लेयर जस्ट हाइपिंग अप। बाद में फर्स्ट हाफ अगर आप बात करोगे मेरे हिसाब से इट वॉज अ गुड हाफ फॉर मोहन बगान बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स मोहन बगान हैविंग द रिदम मोमेंटम उनके पास था एंड दे वर ट्राइंग टू क्रिएट चांसेस। ईस्ट बंगाल आफ्टर दैट गोल थोड़ी सी पीछे हो चुकी थी बढ़िया एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द हाफ ईस्ट बंगाल थोड़ी थोड़ी अटैक बनाने की कोशिश कर रही थी। यहाँ पर सेकंड हाफ स्टार्ट हुआ है और जैसे ईस्ट बंगाल ने फर्स्ट हाफ स्टार्ट किया था विद अर्ली गोल एंड सेकंड हाफ में भी, और मेरे हिसाब से लोग बोल रहे कि पेनल्टी नहीं थी भाई, मेरे हिसाब से पेनल्टी थी। देखो इतना तो अक्कल होना चाहिए, ऑब्वियसली आई विल नॉट ट्रोल दीपक तिवारी जैसे कि मैंने बोला उसने अच्छा किया था एएफसी एशियन कप में, बट यार देखो इतना तो अक्कल होना चाहिए कि जब भी प्लेयर बॉक्स में है ठीक है तो आप थोड़ी ना आप ऐसे करने जाओगे ठीक है, आप ऐसे टैकल थोड़ी ना करने जाओगे। और बट ऑब्वियसली भाई जो स्ट्राइकर है जो भी प्लेयर है अगर पेनल्टी बॉक्स में है थोड़ा सा भी टच होगा तो हो गया ही, तो आपने तो ऐसा कर दिया भाई एंड आई गेस मेरे हिसाब से पेनल्टी था। अभी मोहन बगान फैंस बोलेंगे पेनल्टी ये अगर आई डोंट केयर अबाउट इट बट भाई इट्स सिंपल लॉजिक कि आप बॉक्स में ऐसे टैकल नहीं मार सकते बिकॉज भाई स्ट्राइकर्स होते ही है कि अपने को थोड़ा टच थी जिससे मैं गिरो, तो आप तो भाई ऐसा लेके जा रहे हो तो कम ऑन भाई दैट वॉज नॉट गुड। एंड भाई पेनिन का मारा यहाँ पर क्लिटन सिल्वा ने एंड ऑलमोस्ट बच गया था बट दैट वाज अ गुड गोल एंड भाई फिर ऐसा लग रहा था ईस्ट बंगाल ये बार का भी डर्बी जीत जाएगी बट एट द एंड द ऑस्ट्रेलियन मेगा पावर दैट इज डीमी पेट्रोडस नॉट जेसन कमिंग्स डीमी पेट्रोडस डीमी अजा डीमी ने गोल मार के यहाँ पर इक्वलाइज कर दिया एंड यस पॉइंट्स ड्रॉप मोहन बगान सुपर जायंट्स के लिए बिकॉज इन द टाइटल रेस वगैरह बट इट वाज अ हेफ्टी कॉन्टेस्ट एंड कितने सालों के बाद यस फाइनली ईस्ट बंगाल नाउ कैन कम्पीट विद दिस 70 करोड़ और 60 करोड़ वट एवर टीम भाई एंड मजा आ गया भाई डर्बी मेरे को बहुत मजा आया। आईएसएल में इससे अच्छी डर्बी अभी तक नहीं हुई मैं बोल सकता हूँ, यहाँ पर बहुत मजा आया। बट यहाँ पर ही दो साइंस बात करेंगे अनवर अली, जी हाँ दोस्तों अनवर अली इतनी इंजरी से आ रहा था, चलो ठीक है आप मान भी लेते हो कि भाई वो इंजरी से फिट था ठीक है वो फिट था वो स्टार्ट कर सकता था बट एज अ कोच एज अ मेडिकल स्टाफ आपको पता है कोलकाता डर्बी कैसी है, आप कैसे इतना बड़ा रिस्क ले सकते हो। अनवर अली को फिर से हैमस्ट्रिंग हो चुके एंड ही हैज आउट, अभी देखते हैं इंजरी
सर्जरी के ऊपर न्यूज आई नहीं है कि कितने टाइम तक बाहर होगा। लेट्स होप कि एक या दो हफ्ता अगर होता है तो भी चलेगा, बट इट्स अ बैड न्यूज भाई। होपफुली जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाएगा। यहाँ पर भाई ब्लेम, यू हैव टू ब्लेम भवन मगन। यस प्लेयर की तो गलती होगी, बट यार हैमस्ट्रिंग, बाकी जो दूसरा टॉपिक है दूसरा महेश है भाई, यहाँ पर महेश सिंह नौरंग के बारे में जितना न्यू रिपोर्ट आ रहा है उसको स्ट्रेचर पे लेके गए थे, बट देन आई गेस ही वाज इन द हॉस्पिटल और उसको एक घंटे के बाद उसको छोड़ दिया था, तो इज फिट एंड फाइन। एंड लेट्स सी कि अनवर अली अभी क्या होता है। लेट्स प्रो लेट्स क्रॉस अवर फिंगर्स एंड लेट्स प्रे कि थोड़े फिट एंड फाइन होंगे एंड ही कैन कम बैक वंस अगेन अर्ली, ठीक है। तो यस भाई इसी के साथ ये वाला वीडियो खत्म होता है। आई रियली होप आपको वीडियो पसंद आएगा, डू शेयर योर थॉट्स, आपको कैसे लगे कल के चार चार तगड़े तगड़े मैचेस। एंड मिलेंगे एक और नए वीडियो में, जब तक आप आपका एंड आपके फैमिली का ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, एंड इसी तरह हम लोग फॉलो करेंगे एंड सपोर्ट करेंगे इंडियन फुटबॉल को।